हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू जो है प्रश्नावली 1.3 को जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको जो है वन बाई वन करके करके हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, अधूरी रह जाएगी। देखिए, अंडर रूट टू बराबर पी बाई क्यू। अंडर रूट टू जो है किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। यानी जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है। अच्छा, एक चीज ये भी कि अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, टू प्लस अंडर रूट थ्री है ना, फाइव माइनस अंडर रूट टू, अगर ये सारे डिजिट दिए हुए हैं है ना, अंडर रूट में लगा है, किसी के साथ में, किसी के भी साथ में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सारी के सारी संख्या जो है अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, अंडर रूट टू जो है ना किस फॉर्म में लिखा है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। लेकिन जो है क्या कंडीशन होना चाहिए? क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। तो अंडर रूट टू जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो है क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी नहीं है। देखिए, यहां पर जो है पी और क्यू, पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना। पी और क्यू जो है क्या है? पूर्णांक है। तब यानी परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1.3 के अनुसार, यानी परिमेय 1.3 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या होगा? जब पी एक घात दो का गुणनखंड है, तब पी कॉमा ए, पी भी ए का गुणनखंड, पी भी ए का गुणनखंड होगा, ठीक है। यानी परिमेय 1.3 के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या कह रहा है कि जब पी पी जो है ए का घात दो यानी ए स्क्वायर का गुणनखंड है, तब जो है पी भी ए का गुणनखंड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, जब जो है पी जो है ए का गुणनखंड हो सकता है, ए स्क्वायर का हो सकता है गुणनखंड, तो जो है पी का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको लिख लीजिए। उसके अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। प्रश्न नंबर वन यानी क्वेश्चन नंबर वन को जो है सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है, जैसे अंडर रूट थ्री को जो है सिद्ध किए थे उदाहरण नाइन को, इसी तरीके से इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माना हल, पहले लिखिए हल, खेत जोत तो जाके हल, माना अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्या अगले स्टेप में क्या होगा? अंडर रूट फाइव बराबर ए बाई बी। यहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू लिख सकते हैं, आर बाई एस लिख सकते हैं, जो कि बुक में दिया है आर बाई एस दिया है, ठीक है ना। तो हम जो है इसको ए बाई बी मान के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए जो है इसलिए ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्या है, बी अपॉन में है यानी जो है भाग में है। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी बी गुणे क्या होगा, बी गुणे अंडर रूट फाइव बराबर ए, ठीक है। अगले स्टेप में लिखिए कि दोनों तरफ क्या, दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा? देखिए, दोनों तरफ वर्ग करिए यानी b गुड़े अंडर रूट फाइव
बराबर ए स्क्वायर। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, बी सॉरी बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर ए स्क्वायर। जैसे जो है अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 3 स्क्वायर को जो है मान के सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ 3 आ गया था, यहाँ 5 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये समीकरण एक है, ये क्या है समीकरण एक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, तब ए स्क्वायर 5 का गुणनखंड। अगली लाइन में क्या होगा, तब ए भी 5 का, ए भी 5 का गुणनखंड होगा, ए भी 5 का गुणनखंड होगा। मान लीजिए ए बराबर 5c, ये समीकरण 2 है। सी क्या है यहाँ पर, सी जो है सी सी कोई पूर्णांक है, सी क्या है, सी कोई पूर्णांक है। तब अगले स्टेप में क्या होगा, ए का मान, ए का मान 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगले इसमें में क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, बी स्क्वायर गुणे 5 बराबर ए, ए के स्थान पर क्या है 5c है, क्या है 5c है, तो क्या रखेंगे यहां पर हम, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणे 5 बराबर 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ a का मान रखने पर, a का मान रख देंगे, उसके बाद जो है होल स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणे 5 बराबर 25 5c स्क्वायर, ठीक है। ये 5 5 से 5 ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ 5 बचेगा, 5 अंजा 5, 5 5 5 5 जा 25, तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर बी का घात 2, बी का घात 2 बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है हमें मिला। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, तब बी स्क्वायर 5 का गुणन खंड है होगा, गुणनखंड होगा। दूसरी लाइन में फिर वही बात लिखेंगे, तब बी भी यानी बी बी 5 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। हमें प्राप्त होता है कि ए तथा बी, ए तथा बी दोनों 5 के 5 के गुणनखंड हैं, तब मतलब यहां हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि दोनों सहअभाज्य संख्या
है। लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, तब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। छापिए इसको, बिल्कुल वही अंडर रूट 3 के जैसा है, छापिए इसको।